नमस्कार, iFly NetGate क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पीके सिंह। आज हम बात करेंगे CSIR NET दिसंबर 2020 एग्जाम के बारे में। क्या पॉसिबल डेट हो सकती हैं और क्या पॉसिबल आउटकम हमें देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन, CSIR वाकई में दिसंबर 2020 एग्जाम कराएगा? इस क्वेश्चन के लिए तीन पॉसिबल आंसर हमारे पास हैं। आंसर नंबर वन, ये एग्जाम डिले हो जाएगा। दिसंबर में होने के बजाय ये अप्रैल मई 2021 में जाकर के होगा। पॉसिबिलिटी नंबर टू, ये एग्जाम कैंसिल होगा और जो फेलोशिप दिसंबर में मिलने वाली थी वो फेलोशिप भी साथ में लॉस्ट हो जाएंगी। और पॉसिबिलिटी नंबर तीन कि एग्जाम तो कैंसिल होगा लेकिन जो फेलोशिप दिसंबर में मिलने वाली थी इन फेलोशिप को या तो अभी जो एग्जाम हुआ था नवंबर 2020 में वहां पर या फिर जून 2021 के एग्जाम में मर्ज कर दिया जाएगा। जानते हैं इन सभी पॉसिबिलिटी के साथ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्या क्या अवेलेबल हैं। पॉसिबिलिटी नंबर वन, एग्जाम डिले होगा और अप्रैल मई 2021 के दौरान होगा। यहां कुछ दिक्कतें CSIR को एग्जाम कंडक्ट करने में आएंगी। अभी जो नवंबर में एग्जाम हुआ है उसकी मार्कशीट और रिजल्ट को फाइनल करने में लगभग 3 महीने का वक्त CSIR को लग सकता है। अगर हम मान भी लें कि CSIR एग्जाम डिले करके नेक्स्ट जून के एग्जाम से पहले ये एग्जाम कराना चाहेगा तो भी नोटिस पब्लिश करने से लेकर के और एग्जाम कंडक्ट करने के बीच में लगभग 3 महीने का वक्त लग जाएगा। अगर नोटिस फरवरी में आता है तो एग्जाम की पॉसिबल डेट अप्रैल और मई में होंगी। नतीजा एक बार फिर NTA दुविधा में होगा क्योंकि अगले आने वाले जून के एग्जाम के लिए फिर वक्त कम रह जाएगा। साथ ही क्योंकि ये एग्जाम रूटीन टाइमिंग पर नहीं हो रहा है तो बाकी एकेडमिक कैलेंडर के साथ भी एग्जाम की डेट क्लैश करेंगी। डिसएडवांटेज हमारे लिए भी है, एक तो हमें पढ़ने के लिए काफी कम वक्त मिलेगा, साथ ही एग्जाम की कट ऑफ भी काफी अनएक्सपेक्टेड होगी। पॉसिबिलिटी नंबर टू, एग्जाम कैंसिल होगा और साथ में कोई एडजस्टमेंट ऑफ फेलोशिप हमें देखने को नहीं मिलेगा। CSIR के लिए एडवांटेज, भारत सरकार COVID-19 संकट के कारण ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसेस कर रही है, ऐसे में अगर दिसंबर की फेलोशिप ना दी जाए तो सरकार को फायदा ही होगा, तो CSIR के फंड्स बचाने का रास्ता भी निकल आएगा। साथ में एजेंसीज को एडिक्वेट टाइम भी मिल जाएगा कि वो आने वाले जून के एग्जाम को बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराएं। और क्योंकि अब जून वाला एग्जाम जून में ही है तो फिर एकेडमिक कैलेंडर के साथ क्लैशेस भी देखने को नहीं मिलेंगे। डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए, अब क्योंकि जून के एग्जाम में दो तरह के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एक वो जो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे थे जो एग्जाम हुआ नहीं और वो भी जो अब जून वाली तैयारी करेंगे जून 21 की, तो ज्यादा संख्या में स्टूडेंट होंगे लेकिन सीट सेम ही होंगी। नतीजा कट ऑफ हाई पहुंच जाएगी। हो सकता है जिस एग्जाम की नॉर्मल कट ऑफ 50% जाती हो अब ऐसा होने पर यह कट ऑफ 60% या 65% पहुंच जाए क्योंकि अब सेम नंबर ऑफ फेलोशिप के लिए ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो कंपटीशन टफ हो जाएगा। हालांकि एक एडवांटेज भी है कि हमें प्रिपरेशन करने के लिए 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर हम अभी से पढ़ना शुरू करें तो दिसंबर का महीना भी हमारी प्रिपरेशन में इंक्लूड हो जाएगा। पॉसिबिलिटी नंबर तीन, एग्जाम कैंसिल हो जाए और जो फेलोशिप की सीट्स अवेलेबल थी दिसंबर के लिए वो या तो नवंबर वाले एग्जाम में मर्ज हो जाएं या फिर आने वाले जून 2021 एग्जाम में। हालांकि पहली पॉसिबिलिटी के होने के चांस काफी कम है। जून 2020 का एग्जाम जो कि नवंबर में जाकर के हुआ ये एग्जाम हो चुका है, यहां पर अब फेलोशिप्स को एडजस्ट करना आसान नहीं होगा। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि ये फेलोशिप नेक्स्ट आने वाले जून 21 एग्जाम में एडजस्ट हो जाए। तो यहां अगर ऐसा होता है तो ये एडवांटेज होगा CSIR के लिए कि टाइम और मैनेजमेंट दोनों बेहतर तरीके से हो पाएंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा मौका मिल जाएगा CSIR को भी और हमें भी। साथ ही क्योंकि अब यहां पर सीट डबल होंगी तो कट ऑफ कम होगी, जहां 50% पर पहले LS क्वालिफाई करते तो हो सकता है अब हम लोग 40% पर क्वालिफाई कर जाएं, तो अब हमारे पास ज्यादा फेलोशिप होंगी फाइट करने के लिए और कंपटीशन काफी हद तक डाइल्यूटेड होगा, पढ़ने के लिए मोर टाइम और लेस कंपटीशन। अब इन तीन पॉसिबिलिटीज में से क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तैयारी को अभी से शुरू कीजिए और ये मत सोचिए कि एग्जाम मई जून में होगा या फिर अप्रैल में होगा, जब भी होने वाला होगा हम अपनी तरफ से तैयार होंगे। चलिए फिर तैयारी करें आने वाले एग्जाम की। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।